वेलकम टू हॉट शॉट्स बाय अनअकैडमी जी। इसी खिलौने के बारे में बात करने वाले हैं, इसको फ्लिंकी कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वैक्यूम में जब हम एक बॉलिंग बॉल को और फेदर को डालते हैं नीचे, है ना, तो आप देख सकते हैं ये फ्री फॉल करते हैं अंडर द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 सेम टाइम लगता है इनको नीचे आने में। बट यार जब हम इस फ्लिंकी को एक बिल्डिंग से फेंकते हैं, आप रियलाइज कर रहे हैं ये नीचे आ रहा है, बट यार ये बिल्कुल स्टैटिक है, ये बिल्कुल स्टैटिक है, हिल ही नहीं रहा है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पर ध्यान से देखिए। ये वीडियो थोड़ा सा स्लो है बट अगर आप इसकी लास्ट को देखें तो बिल्कुल स्टैटिक है, नीचे आ रहा है, फ्री फॉल, सब कुछ फ्री फॉल नहीं कर रहा है एक साथ, ये बिल्कुल स्टैटिक है। ऐसा क्यों है, इसको हम नोटिस करेंगे। ये एनएलएम के स्प्रिंग कट प्रॉब्लम जैसा है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं यार, ये एवरीवन वॉच फोर्सेस यार, जब ये स्प्रिंग नीचे आती है एवरीवन प्लीज सी, तो ये अभी भी स्ट्रेस काफी, तो यार ये स्प्रिंग फोर्स लगता रहता है लास्ट स्प्रिंग में और इसका वेट इससे बैलेंस रहता है, इसीलिए ये ऐसे होता है। अगेन अगर आपको ये समझ में आया अच्छे से तो यार ये भी एक्सप्लेन करिए कि अगर मैं इसको फेंकूंगा तो यार ये तो इसमें वो फिनोमेना नहीं होगा, और वो क्यों नहीं होगा वो आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना पड़ेगा। इट विल बी रियली गुड। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अनअकैडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स क्रैक इट टुगेदर।